बाइक को स्टार्ट करने के बाद और इस तरह से रेस देने पर क्या आपका गाड़ी भी बंद हो जाता है, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। आप इसे खुद से ठीक कर सकते हैं घर पे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें इस तरह के प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप और स्वागत है आपका पाकर बेसिक नॉलेज में। अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली बाइक है तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से घर पे ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा अपने बाइक के कार्बोरेटर में। तो कार्बोरेटर में एक आरपीएम का स्क्रू होता है, ठीक है। आरपीएम का स्क्रू का अगर एडजस्टमेंट खराब हो जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब आरपीएम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब बहुत ही कम हो जाने पर ये वाला प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सही से पेट्रोल पास नहीं होता है, इंजन पे आता नहीं है और हमारा इंजन बार बार बंद होता है। इसी तरह से ये हो सकता है कि बाइक अगर आपका कहीं बम्पर पे भी पार हो रहा हो तो वहाँ पे भी बाइक आपका झटके लेकर के बंद हो जाएगी। तो आरपीएम स्क्रू को हम लोग पहचानेंगे कैसे? आरपीएम स्क्रू जो होता है वो कार्बोरेटर में इस जगह में होता है, ये आप देख सकते हैं, और इस पर एक स्प्रिंग लगा होता है। आरपीएम स्क्रू में हमेशा स्प्रिंग लगा हुआ ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी बाइक हो या स्कूटी हो, आपको आरपीएम का स्क्रू में स्प्रिंग मिल जाएगा, आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। और साइड में जो दूसरा स्क्रू होता है वो होता है एयर मिक्सर का स्क्रू। तो हमें आरपीएम स्क्रू को ट्यून कर देना है हल्का सा और हमारा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आरपीएम सेट करने से पहले हमेशा गाड़ी को थोड़ा सा गर्म कर ले, मतलब कि उसे 2-4 मिनट 5 मिनट चला करके छोड़ दे या उसे कहीं से चला करके लेकर के आए। और सेट करने से पहले ठीक गाड़ी को हल्का सा स्टार्ट करके छोड़ दे, अगर स्टार्ट रहता है तो स्टार्ट कर ले और अगर नहीं रहता है तो किसी को एक्सेलेटर हल्का सा पकड़ने को बोल दे और उसके बाद सेट कर ले। तो जब आप आरपीएम का स्क्रू को पहचान लेंगे तो कुछ नहीं करना, बस हल्का सा ट्यून को एकदम हल्का सा बढ़ाना, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है वरना आपका गाड़ी का माइलेज ख़राब हो जाएगा, माइलेज कम देगी बाइक। तो हल्का सा एकदम बढ़ा देना है, एकदम से हल्का सा। जब आप इसे हल्का सा बढ़ाएंगे तो आप फील करेंगे हल्का सा बाइक में रेस आ गया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार फिर से बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे और फिर ट्राई करेंगे और फिर हम ऐसे अचानक से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब ये बाइक बंद नहीं रही, तो अब हमारा बाइक कहीं भी अचानक से बंद नहीं होगा। बस तो बस इतना सा ही है, आप इसे खुद से सेट कर सकते हैं आपके बाइक पे दिया हुआ टूल बॉक्स पे ये स्क्रू ड्राइवर से, इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्क्रू ड्राइवर काफ़ी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।